हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में, ठीक है, कि हिस्ट्री ऑप्शनल एक ले तो ले क्यों ये विषय, और कैसे आप लोगों के लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, और कितना आसान है, कैसे और क्यों चुने, इस मुद्दे पे बात होगी। तो बात हम लोग करेंगे, इतिहास की इतिहास, वो भी ऑप्शनल के रूप में। ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल। अब इतिहास जो वैकल्पिक विषय है, ये क्यों लेना चाहिए यूपीएससी में, इसका कितना योगदान है, स्कोर कैसे, क्या क्या सारी बातें, इसको देखने के पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में समझेंगे कि इसके प्रश्नों का प्रारूप क्या होता है, किस तरीके से ये पेपर होते हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटजी समझेंगे कि क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ जाते हैं कि आपको पता ही है कि जो ऑप्शनल का हमारा पेपर होता है वो होता है 500 अंकों का, 500 मार्क्स का होता है, और ये दो प्रश्न पत्र होते हैं। ऐसे बेसिक आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जब हम ऑप्शनल के बारे में सारी बातें कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको यहाँ पे बतानी बनती हैं। तो दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, फर्स्ट और सेकंड पेपर। ठीक, ये दोनों भी आपका ये 250 मार्क्स के होंगे, 250 का फर्स्ट एंड 250 का जो होगा वो आपका सेकंड होगा। तो 509 नंबर का ऐसा ही होता है। और जो फर्स्ट पेपर है, आपको फर्स्ट पेपर पे हिस्ट्री ऑप्शनल में पढ़ना होगा प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास और साथ में मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये वही अगर हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में आपको ऑप्शनल में पढ़ना होगा मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वही आधुनिक भारत का इतिहास एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। ये आपको इस तरीके से पढ़ना होता है। दो पेपर होते हैं फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट में एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, सेकंड में आपको पढ़ना होगा मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें और इसको थोड़ा सा खोल के बात करें, अगर हम इसी तरीके से थोड़ा समझें कि जो हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, वो किस तरीके से आता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है कितने का होगा, 250 मार्क्स का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 250। जिसके अंक होंगे 250 के होंगे। ठीक, और इस पे क्या क्या आएगा, प्राचीन भारत और मध्यकालीन। तो ये दो भाग में आता है, एक आता है आपका खंड ए और दूसरा है मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी, खंड ए और खंड बी। तो जो खंड ए है, खंड ए में आपका आएगा एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, और जो खंड बी है इस पे आएगा मध्यकालीन भारत,
मध्यकालीन भारत, ये खंडे खंड भी दो भागों में बटा होगा, फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल का, और ये इस तरीके से। अब इस पे क्या है, इस पे जो प्रश्नों की सीरीज आती है, जो प्रश्नों की श्रृंखला आती है, टोटल जो आएंगे 8 प्रश्न आएंगे खंड ए में, अरे सॉरी मतलब दोनों खंडों को मिला के फर्स्ट पेपर में। तो जैसे प्राचीन भारत है, इस पे आपके होंगे 5 प्रश्न, जैसे उदाहरण के लिए समझेंगे 1, 2, 3, 4, सॉरी मतलब 4, 4, 8 प्रश्न होंगे, इस पे 4 होंगे। उसी तरीके से मिडाइवल में आगे होंगे 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से प्रश्न बटे होते हैं। लेकिन आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जैसे ये जो पेपर है फर्स्ट पेपर, इसका मतलब खंड ए का जो पहला प्रश्न है ए, और जो खंड बी का पहला प्रश्न है ये, यानी पांचवा प्रश्न, पहला और पांचवा ये दोनों प्रश्न जो है ये दोनों अनिवार्य हैं सभी के लिए, मतलब करने ही करने हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। खंड ए का भी पहला प्रश्न और खंड बी का भी पहला प्रश्न, यानी पहला प्रश्न और पांचवा प्रश्न, यह दोनों सभी के लिए अनिवार्य हैं। और उसके बाद जो बाकी बचे 6 प्रश्न, इन 6 मतलब टोटल जो आपको करने हैं वो 5 प्रश्न हल करने हैं ऑप्शनल में। टोटल कितने प्रश्न हल करने हैं? 5 प्रश्न के आपको आंसर ले लिखने हैं। तो ये जिसमें से आपका पहला और पांचवा अनिवार्य है, तो 2 प्रश्न हो गए, बाकी बचे 3 प्रश्न। तो उन 3 प्रश्नों में आपको खंड ए में 3 बच रहे हैं, खंड बी में 3 बच रहे हैं, यानी 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। लेकिन इसमें यह आपको ध्यान में रखना है कि वो तीनों प्रश्न आप किसी एक खंड से नहीं कर सकते, दोनों खंडों को मिला के करना है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं एनसीएंट के प्रश्न आपको आते हैं और 3 प्रश्न इसमें से ही बचे हैं और यही 3 प्रश्न आप लिख दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको उन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो बाकी के बचे हैं दोनों खंडों से मिला करके देना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस पे जो पहला प्रश्न है, ये पहला जो प्राचीन भारत का, ये जो आपका पहला प्रश्न है, ये मैप बेस्ड प्रश्न आता है, मैप बेस्ड। इस पे कुछ तकरीबन 20 साइट्स यूपीएससी पूछती है, ठीक है, 20 साइट्स यूपीएससी इस पे पूछती है। और ये जो मैप बेस्ड प्रश्न आता है, ये तकरीबन 50 अंक का प्रश्न होता है, 50 नंबर का। और इस पे यूपीएससी ब्लैंक मैप देगी और उस पे सभी साइट पॉइंट आउट होंगे, जैसे 20 साइट है ना, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 20, तो सभी जगह पे जिस भी स्टेट का लोकेशन पूछना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 20 तक वो बिल्कुल आसानी से, अब तो पहले से काफ़ी आसान हो गया है कि ये 20 साइट वहाँ पे रहेंगे और उस पे लिखा रहेगा कि मान लो आपको कोई साइट चुनना है, कोई दक्षिण भारत का मंदिर चुनना है, कोई बुद्ध से संबंधित कोई स्थल चुनना है प्राचीन काल में, तो वो लिखा रहेगा। कि अगर मान लो दूसरे नंबर पर लिखा है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई स्थल, तो वो लोकेशन उस मैप में दिखाया रहेगा, 2 नंबर लिखा रहेगा। मान लो कहीं उत्तर प्रदेश के मैप पे, जहाँ उत्तर प्रदेश, वहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो आपको यही बताना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थल है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित उस समय का है। तो ये थोड़ा आसान हो गया। तो इस तरीके से आपको ये मैप के क्वेश्चन करने हैं और 20 साइट के इसमें आंसर देने होते हैं और ये अनिवार्य है। इसी तरीके से जो मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सबके लिए अनिवार्य है और इसमें 5 प्रश्न होते हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 भागों में बटा हो, बस 5 भागों मतलब 5वें नंबर प्रश्न में 5 प्रश्न होते हैं जिसके आपको आंसर देने हैं, इसलिए ये दोनों अनिवार्य हैं। उसके बाद जो बाकी के 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं वो इन्हीं 6 प्रश्नों में से देने हैं, जो 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, और दोनों में का आप दोनों में से मिला के देना है। आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक के 3 का दे दें। और इनमें भी 3-3 प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो इस पे भी 3 प्रश्न होंगे, ए बी सी, ऐसे ही तीसरे प्रश्न में होंगे ए बी सी, ऐसे ही चौथे प्रश्न में होगा ए बी सी, मतलब एक क्वेश्चन में 3 प्रश्न होंगे। और आपको ऐसा नहीं कि अब 3 प्रश्न होंगे तो इन्हीं तीनों का, वो उसके सेक्शंस हैं, तो ऐसे आपको चुन करके ले लिखना होगा। ऐसे ही छठे प्रश्न में 3 पार्ट होंगे, ए ए बी सी, सातवें में भी ए बी सी और आठवें में भी ए बी सी, ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और इसको इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है।
और दोनों सेक्शन में चार चार प्रश्न होते हैं, आठ और आठ के इस तरीके से उनका डिवाइड होता है। और पहला और पांचवा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं अनिवार्य है सबके लिए। और एंशियंट में पहला मैप आता है और उस साइज पूछते हैं यूपीएससी, और जो पांचवा है उस पर पांच प्रश्न होते हैं, उसको आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने प्रथम प्रश्न पत्र की बात की, उसी तरीके से अगर हम सेकंड पेपर की हिस्ट्री की बात करें, द्वितीय प्रश्न पत्र की, द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी आपका होगा 250 मार्क्स का, ठीक है। और इस पे आपका क्या क्या आएगा, ये भी आपका उसी तरीके से दो भागों में बटा होगा, खंड ए, खंड बी, ठीक है। और खंड ए में आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और वैसे ही खंड ब में आपका होगा वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, ये इस तरीके से ये भी बटा होगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, दोनों सेक्शन में चार चार प्रश्न होंगे। यानी हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में भी आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और अगर इसकी बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इसमें भी वही यहाँ से 5 नंबर से शुरू होगा, 5, 6, 7, 8। और जैसे उसमें दोनों प्रश्न अनिवार्य थे, उसी तरीके से खंडे का पहला प्रश्न ये और खंड बी का ये पांचवा प्रश्न, यह दोनों क्या है, अनिवार्य है। इसके आंसर सभी ऑप्शनल के विद्यार्थियों को देना ही देना है। और जिस तरीके से मैंने खंड बी में फर्स्ट पेपर में बताया था, वैसे ही इसके पहले प्रश्न में पांच प्रश्न होंगे, ए बी सी डी ई, क्वेश्चन नंबर इस तरीके से बटा होगा, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E। उसी तरीके से पांचवें प्रश्न में भी ऐसे ही, इसमें भी पांच प्रश्न पूछे जाएंगे, ए बी सी डी ई, पांच प्रश्न होंगे। और इन सब का आंसर सभी ऑप्शनल के विद्यार्थियों को देना है, यह अनिवार्य है, यह ध्यान में रखेंगे, यह दोनों अनिवार्य है। बाकी फिर इस पे भी आपको सेकंड पेपर से भी कितने प्रश्नों को हल करने हैं, तो टोटल पांच प्रश्न इसमें भी आपको हल करने हैं। और पांच प्रश्न में से पहला और पांचवा अनिवार्य है, तो दो हो गए, बाकी बचे तीन। तो वही तीन प्रश्न इन छह प्रश्नों में से आपको दोनों सेक्शन का मिला करके लिखना है, और ये भी इसी तरीके से बटा हुआ होगा जैसा कि मैंने फर्स्ट पेपर में बताया। दूसरा प्रश्न भी, इस पे भी तीन प्रश्न होंगे, ए बी सी, इसी तरीके से सब में ए बी सी, इसी तरीके से सब में ए बी सी, सब में तीन तीन प्रश्न होंगे, और आपको इसमें ऐसे ही आंसर देना है इसी तरीके से। ये पूरा प्रारूप है कि इस तरीके से आपको ये पेपर का फॉर्मेट पूछती है यूपीएससी ऑप्शनल में, जो कि आपको आपको हल करना है। और ये अनिवार्य पहला और पांचवा दोनों सेक्शन में अनिवार्य है। उसके बाद बचे हुए छह प्रश्न में से आपको तीन प्रश्न करने हैं, यानी टोटल पांच प्रश्न आपको इसमें हल करने होते हैं। अब अगर हम बात करें, ये तो मान लीजिए हमने पूरा प्रारूप समझ लिया कि 509 नंबर का पेपर होता है, ऐसा प्रारूप होता है, ऐसा पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि आखिर में हिस्ट्री ऑप्शनल, इतिहास जो है वो वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों लें, ठीक है, इतिहास ही क्यों, इतिहास ही क्यों क्यों लें वैकल्पिक विषय के रूप में। इसमें चार पांच सवाल हैं, जैसे कि हम इस पर डिस्कस इस तरीके से करते हैं कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आखिर में क्यों पढ़ें इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में, क्यों पढ़ें हम, पहले इस पे बात करें। दूसरा, अगर मैं बात करूं इस पे, तो किस पे बात करूं कि हिस्ट्री लेने का लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा, क्या होगा लाभ, लाभ क्या होगा हिस्ट्री ऑप्शनल लेने का। तीसरा, अगर हम बात करें तो इतिहास जो ऑप्शनल के तौर पे ये विषय कठिन है या आसान है, इस पर डिस्कस करेंगे। इतिहास
कठिन विषय है या आसान या सरल कह सकते हैं, इस मुद्दे पे बात करेंगे। चौथा बात करेंगे कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट होता है कि जैसे जीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना होता है, क्या ऑप्शनल के लिए भी एनसीईआरटी जरूरी है, तो कौन सी। तो एनसीईआरटी इस समय न्यू एंड ओल्ड दोनों एनसीईआरटी आती है, तो दोनों पढ़े या नहीं पढ़े। उसके बाद बुक्स कौन कौन सी पढ़े, ये इम्पोर्टेंट एक सवाल है। और जो अगला है, जो इस पे सबसे इम्पोर्टेंट, कि इस पे अधिकतम अंक कैसे लाए जा सकते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे हम हिस्ट्री ऑप्शनल में अधिकतम अंक प्राप्त करें। अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स इसमें कैसे लाएं। मैक्सिमम मार्क्स कहने का मतलब 300 प्लस स्कोर हिस्ट्री में कैसे आएगा। ये कुछ प्रश्न हैं, इस कुछ प्रश्नों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे ये आपका आसान है, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें क्यों पढ़ें, अगर हम बात करें इतिहास हम क्यों पढ़ें, तो सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति को अपने अतीत के बारे में जानना चाहिए, उसे अपने अतीत के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा अतीत क्या था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अतीत को जानकर या अतीत को पढ़कर अपने वर्तमान को सुधारा जा सकता है और भविष्य को संवारा जा सकता है। ऐसा एक स्टेटमेंट है, कोई इतिहासकार ने कहा है, बहुत बढ़िया थिंकर ने, कि इतिहास, अपने इतिहास को जानना, अपने अतीत को जानना सभी के लिए इतना जरूरी है कि हम अतीत की गलतियों को उससे सीख के, या अतीत में जो भी चीज़ें हुई उससे सीख के, हम अपने वर्तमान में जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे सुधार सकते हैं और आने वाले भविष्य को संवार सकते हैं। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना काफ़ी जरूरी है। और देखो, यूपीएससी जनरल स्टडीज़ में ये सब विषय क्यों रखती है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, ये सब क्यों रखती है। ऐसा नहीं है कि उसे आप स्पेशलिस्ट की तलाश है, उसे स्पेशलिस्ट की तलाश नहीं है, उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो जिले का प्रशासन सही तरीके से समझ सके, थोड़े थोड़े इतिहास के बारे में उसको अपने देश का पता हो, भूगोल पता हो, संविधान क्या कहता है ये पता हो, थोड़ी थोड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हो, कहाँ का कैसा मानसून है, कैसा वेदर है, कैसा पर्यावरण है, इसके बारे में जानकारी हो। इसी के लिए यूपीएससी ने ये सारे सिलेबस रखे हैं और इसी आधार पर ये बातें होती हैं। तो जरूर ध्यान में रखें कि किस तरीके से और क्या। और अगर हम इसमें बात करें कि लाभ क्या होगा, ऑप्शनल रखने का लाभ क्या होगा, तो अगर हम लाभ या फायदे की बात करें, लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ तो आपको यही है कि आपको पता है कि जीएस में हिस्ट्री का क्या योगदान है, जीएस में हिस्ट्री का क्या रोल है। एक बहुत बड़ा एरिया आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, चाहे वो आप प्री एग्जाम के लिए जीएस में पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें। अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हर साल प्रीलिम्स में तकरीबन एक ऑन एन एवरेज की बात हम करें तो 15 से 20 प्रश्न आपके हिस्ट्री से प्रीलिम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। और वही अगर हम मेंस की बात करें, मेंस तो मेंस में आपको पता ही है कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो मेंस में आपको हिस्ट्री में प्राचीन भारत पढ़ना है, पढ़ना तो प्री में भी है लेकिन प्राचीन भारत, मध्यकालीन, और इन दोनों का जो कला व संस्कृति वाला भाग है वो ज़्यादातर जीएस में आता है। वैसे भी हमारा प्राचीन और मिडाइवल हमारी संस्कृति से ही ज़्यादा संबंधित है। उसके बाद आपको मेंस में आधुनिक भारत भी पढ़ना है और ये तीनों आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ने हैं, ठीक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। और इसके अलावा आपको जीएस के मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है, विश्व का इतिहास ये भी पढ़ना है। अब सोचो कि जीएस में आपको ये पढ़ना ही है, कंपलसरी है सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को,
ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो क्या आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मदद नहीं मिलेगी, और ऑप्शनल में पढ़ोगे तो यहाँ पे मदद नहीं मिलेगी। हमेशा ऑप्शनल वैसा ही विषय चुनना चाहिए कि जिसके लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता ना हो, हम उसी मेहनत पे उसको कर सकें और उसको भुना सकें। क्योंकि यूपीएससी जो है आपको कोई डिग्री प्रोवाइड कभी नहीं करने वाली कि हाँ आपका 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया तो कोई डिग्री दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक आपका समय अगर खराब हुआ तो समय पैसे दोनों की बर्बादी है। इसीलिए ऑप्शनल का चुनाव वैसा ही करें, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरह, स्मार्ट प्लान की तरह, कि जो आपके जीएस में भी हेल्पफुल हो और जीएस के साथ साथ वो आपके ऑप्शनल में भी हेल्पफुल हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा। और आपको पता ही है कि जो जीएस का फर्स्ट पेपर है और जीएस फर्स्ट पेपर मेंस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, यही आता है। तो इंडियन हिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है, यानी कि अगर हम बात करें तो 85 से लेके 95 या 100 नंबर तक का हर साल, मतलब 250 मार्क्स का होता है, तो इतने में इतना आता ही आता है। तो सोचो अगर आप यहाँ पढ़ोगे, आपको प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना है, वर्ड भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है, और यही चारों आपको ऑप्शनल में पढ़ना है, तो क्या आपके लिए मददगार नहीं होगा? आप यहीं पढ़ोगे तो उधर का भी तैयार होगा, उधर भी पढ़ोगे तो इधर का भी तैयार होगा, दोनों मेहनत है। यानी अगर आप ये समझो कि तकरीबन 70-75% सिलेबस आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का ये आपके जीएस पढ़ने से ही तैयार होगा, जीएस हिस्ट्री पढ़ने से ही आपका 75-80% 80% तक सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा 20% जैसे अलग से आपको मैपिंग करनी होगी, जो कि फर्स्ट पेपर में मैपिंग आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी 20 साइड से पूछती है मैपिंग के लिए, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपको यहाँ से मेहनत से वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, वहाँ के मेहनत से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मान लो, ये तो मैंने आपको जीएस फर्स्ट पेपर की बात बताई, मतलब एक तो प्रीलिम्स में भी फर्स्ट पेपर और मेंस में भी। मैं अगर आपको ये कहूँ कि हिस्ट्री जो है आपके जीएस के चारों पेपर में इसका रोल है, तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। ये देखिए, अब क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट, आप समझ गए। जीएस सेकंड पेपर में इसका कैसे योगदान है, जीएस के सेकंड पेपर में क्या रोल है, हिस्ट्री का क्या रोल है। तब जीएस सेकंड पेपर में एक विषय पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में एक टॉपिक है जहाँ से शुरुआत होती है उसको, हिस्ट्री में भी बहुत सारे टीचर हिस्ट्री और मतलब जीएस हिस्ट्री में पढ़ा देते हैं, बहुत सारे इंडियन पॉलिटी में, जो कि आपको ऑप्शनल में तो पढ़ना ही पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, अगर आप लोगों को याद होगा, भारत का संवैधानिक विकास, ये आपको इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ना है। मतलब जितने भी अधिनियम आए, जितने भी एक्ट आए अंग्रेजों ने रूल करने के, जितने भी एक्ट लाए, जितने भी अधिनियम आए, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जीएस सेकंड पेपर में भी हिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, ये आपको हर तरीके से मदद करेगा। अगर मैं बात करूँ यहीं पर आपको जीएस थर्ड पेपर में क्या रोल है, उदाहरण के लिए आप समझिए, जीएस थर्ड पेपर, तो जीएस थर्ड पेपर में एक विषय है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से तैयार हुई है, वो हिस्ट्री से ही तैयार हुई है, हिस्ट्री से ही। कैसे, आपको याद होगा जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते होंगे, जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जो आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसी चलाई गई, कौन कौन सी कूटनीति अपनाई गई, विदेशों से संबंध को कैसे बनाया गया, ये तो आईआर के जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस से पढ़ने को मिलेगा, आज़ादी के बाद का जो इतिहास है उसको पढ़ने से मिलेगा। हम लोग पढ़ते हैं ना पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का इतिहास हमारे सिलेबस में है, यहाँ से आपको आईआर में मदद मिलेगी। दूसरा जो आप पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, विश्व इतिहास में भी आपको आईआर से जुड़ा हुआ है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो विश्व इतिहास ये भी
वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कि अमेरिका की क्रांति कैसे हुई, ये सब सारी चीज़ें कैसे, फिर भारत से कैसे संबंध, ये सब सारी बातें, तो ये डिटेल से आप इस तरीके से थर्ड पेपर से भी आईआर को जोड़ करके देख सकते हैं। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि जीएस फोर्थ पेपर जो है आपका एथिक्स का पेपर, जीएस फोर्थ पेपर, जीएस फोर्थ पेपर है ना आपका एथिक्स, एथिक्स का पेपर, एथिक्स में किस तरीके से हिस्ट्री का रोल है अगर मैं कहूं तो आप मानेंगे। देखिए कैसे, आपको एथिक्स में आपको याद होगा जो एथिक्स का पेपर है इस पे आप लोगों को थिंकर्स पढ़ने हैं, थिंकर्स पढ़ने हैं, थिंकर्स में आपको भारतीय भी पढ़ने हैं, कुछ नाम तो नहीं किसी का ओपन है, और विदेशी भी, विदेशी दोनों थिंकर्स को पढ़ना है। अगर आपने एथिक्स का पेपर उठा के जीएस में देखा होगा तो थिंकर्स यानी भारतीय में आपको गांधी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपने देखा है गांधी के बारे में पढ़ना होगा, गांधी के साथ साथ टैगोर को जानते हैं, टैगोर के बारे में किन लोगों ने क्या स्टेटमेंट कहे और उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी बार आप जीएस का एथिक्स का फोर्थ पेपर देखेंगे तो गांधी का स्टेटमेंट पूछा हुआ था थिंकर्स में, इस तरीके से जरूरी है। विदेशी में बात करें तो आपको रूसो पढ़ना होगा, प्लेटो पढ़ना होगा, अरस्तु पढ़ना होगा, और ये सब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें आपको विश्व इतिहास में पढ़नी ही पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और ये सब सारी चीजें आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में पढ़नी ही पढ़नी है इनके बारे में। तो क्या फोर्थ पेपर में भी हिस्ट्री का योगदान है? आपको ये बातें समझ में आई कि किस तरीके से जीएस के चारों पेपर में, जीएस के चारों पेपर में हिस्ट्री का क्या रोल है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको आप चारों पेपर से जोड़ के ऐसे बात करके समझ करके पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री का हर जगह रोल है, इसीलिए एक कहा जाता है ना कि हमें अपने इतिहास से सीखते हुए अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को हम बना सकते हैं। अब देखो अगर हम यहीं पे बात करें जो हमारा तीसरा पॉइंट था, ये तो आप देख लिए ये जो मैं कि लाभ क्या होगा, तो लाभ इस तरीके से होगा जीएस के सभी पेपर्स से आप कुछ कुछ विषयों से कोरिलेट करके देख सकते हैं, कहीं भी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कि यह कठिन है या सरल, कठिन या सरल कैसा ऑप्शनल है, तो अगर बहुत सारे बच्चों से पूछो तो वो कहेंगे कि बहुत कठिन है, बहुत सारे डेट्स तारीख याद करने पड़ते हैं, ये सब सारी बातें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे डेट वगैरह कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतिहास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ बना चुके हैं, उस पर अच्छे से पकड़ बनाए हुए हैं, तो आपको कहीं भी डेट तारीख याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और कहते हैं लोग कि सिलेबस बड़ा है, सिलेबस कैसे बड़ा है, मैंने आपको बताया जीएस जो कि सबके लिए कंपलसरी है, किसी भी मीडियम का हो, किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, सबके लिए जरूरी है। तो अगर आप वहां पढ़ रहे हैं तो यहां पे काम आएगा ही, तो बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको वहां पे पढ़ना ही पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, वर्ड पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है, सब वहां पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका एक तो बड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो जैसे मैं बताया तो बिल्कुल भी आपका बड़ा नहीं है, क्योंकि जीएस में पढ़ना ही है, तो जीएस में पढ़ेंगे तो तकरीबन 80% का सिलेबस आपको ऑप्शनल का यहां से कवर हो जाएगा जीएस से ही, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं 20% का मेहनत करना होगा, थोड़ा सा अलग से मैपिंग के लिए, थोड़ा सा अलग से कुछ एंसर राइटिंग और कुछ अलग से एक दो टॉपिक के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहां पे इसको ध्यान में रखना होगा। और अगर बात करें जैसे लोग कहते हैं कि नहीं तारीख याद करनी पड़ती है, तो तारीख वगैरह का कोई इशू नहीं है, कोई तारीख याद करने की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट तारीख नहीं ईयर आपको याद रखना होगा। अब इंपॉर्टेंट ईयर में कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, ठीक है, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, इन सबों का ईयर जरूर याद रखना चाहिए। ये सब बहुत आसान सा है कि प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, इस तरीके से ये आपको ईयर को पता होना चाहिए। गांधी के जो इंपॉर्टेंट आंदोलन है, असहयोग कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। सविनय अवज्ञा का टाइम पीरियड क्या है, ये आपको ईयर पता होना चाहिए, या भारत छोड़ो कब शुरू हुआ,
इन सब का, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, ये तो जो जीएस के विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें भी पता होता है। तो यही चीजें आपको यहां भी ध्यान में रखनी है। यहां पे आपको अलग से कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है तो दिमाग में भ्रम रहता है कि नहीं हमें बहुत ज्यादा डेट, बहुत ज्यादा ये सब सारी चीजें करनी है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये इस तरीके से है। ठीक है, असहयोग सविनय भारत छोड़ो, इसी तरीके से कुछ जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, साइमन कमीशन कब आया, ये सब कुछ एकाक इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो गए कांग्रेस के कब हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे तो अधिवेशन नहीं याद रखने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें कुछ बड़े डिसीजन लिए गए होंगे वो सब, ये सब कांग्रेस का गठन कब हुआ, ये सब, तो ये सब के ईयर आपको, और इस सभी ईयर आपको जीएस में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको वहीं से याद रहता है। ठीक है, तो वहाँ से रहता है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत ज़्यादा अलग से आपको एक्स्ट्रा इसमें ईयर वगैरह टाइम डेट वगैरह याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तारीख तो खास तौर से आपको यहाँ पे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको तारीख याद करनी होगी, तारीख का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। बिल्कुल आराम से एक दो ईयर आप ध्यान में रखें और इस तरीके से है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं और इसी तरीके से है, इसीलिए आप हिस्ट्री को बिल्कुल कठिन नहीं कह सकते, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, कि आपको इसमें जीएस का बहुत बड़ा रोल है। मैंने बताया कि 75-80% सिलेबस आपको जीएस में ही कवर करना है। जीएस का जो विद्यार्थी है, अगर आप ऑप्शनल का पेपर देखेंगे, ऑप्शनल का पेपर अगर आप देखे होंगे इस बार का, योजना इसके चैनल पर डिस्कशन भी है उसका हिस्ट्री का, तो आप अगर ऑप्शनल का पेपर उठा के देखें तो जो जीएस के विद्यार्थी हैं वो इस बार के ऑप्शनल का आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और इस बार के नहीं, हर बार का तकरीबन बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से जीएस का विद्यार्थी उस ऑप्शनल के पेपर को लिख सकता है। तो ऐसा नहीं कि अलग से पढ़ने की जरूरत है, इसका मैं चैलेंज करता हूँ, अगर जो प्रश्न है आप जीएस में हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप प्रश्न उठा के देखिएगा ऑप्शनल का, आप बहुत ही आसानी से कहेंगे हाँ ये मैं लिख लूंगा। तो ये वाली बात है कि आपको कितना हेल्पफुल है वहाँ से, और ये सब सारी बातें तो जरूर ध्यान में रखिएगा, क्या है, किस तरीके से है और क्या यहाँ पे करना है। ठीक, तो ये एक को कुछ चीज़ें हो गई, अभी जैसे ये हम बात कर लेंगे तो आपको मैं एक दो प्रश्न जो इस बार के आए हैं ऑप्शनल में वो भी बोल दूंगा, तो आप उसको सुन के अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। अब अगर इसी में बात करें कि जैसे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी के लिए कौन से पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल के लिए आपको ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, दोनों की दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, तो इसको आपको दोनों एनसीईआरटी पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं। ठीक, और अगर इसमें हम बात करें बुक्स की कि कौन कौन से बुक्स आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए देखनी चाहिए, तो अगर बुक्स में हम आएँ तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास की ही बात करें, एंशियंट हिस्ट्री की, इसके लिए अगर हम बुक्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप इस पर क्या देखो, एनसीईआरटी लेनी ही लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के बाद एक बुक आती है झा श्रीमाली की, ठीक है, झा एंड श्रीमाली, इनकी एक बुक आती है प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से ही, तो आप ये किताब ले सकते हैं। यहाँ पे एक उपेंद्र सिंह की बुक आती है, ये ले सकते हैं, उपेंद्र सिंह ये बुक आती है, आप ये ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ ये जो टेक्स्ट बुक हैं जैसे कि झांसरी माली, उपेंद्र सिंह, इनमें से किसी एक बुक को ही फॉलो करें, एक बुक एनसीईआरटी के साथ, उन्हीं को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। ठीक है, कोई आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ऑप्शनल है तो 5 राइटर की बुक पढ़नी है, 6 राइटर, क्योंकि आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे होते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, तो आपका एक विषय डिसाइड होता है, तो आपको उस पर थीसिस लिखने के लिए कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़नी होती है। यहाँ यूपीएससी का एग्जाम देना, बिल्कुल सरल और सटीक तरीके से यूपीएससी प्रश्न पूछता है, आप उसी तरीके से उसका आंसर लिखें तो जरूर, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो एक ही टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के साथ फॉलो करें, मोर देन सफिशियंट। अगर यहीं पर आप बात करें प्राचीन के बाद, अगर बुक्स में हम देखें मध्यकालीन भारत के इतिहास की, मध्यकालीन भारत के इतिहास की, अगर आप मध्यकालीन भारत के इतिहास की बुक की बात करते हैं तो वही सिंपल सा बात है, इसके लिए भी आप
एनसीईआरटी तो लेना ही लेना है। एनसीईआरटी के अलावा एक राइटर हैं सतीश चंद्र, इनकी आप बुक ले सकते हैं, सतीश चंद्रा की। एक है हरिश्चंद्र वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा, इनकी बुक ले सकते हैं। और वही जैसे मैंने पहले बताया, ये दोनों टेक्स्ट बुक है, दो वॉल्यूम में आती हैं दोनों किताबें, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू। तो कोई भी एक टेक्स्ट बुक पढ़ें एनसीईआरटी के साथ और उसी को बार बार पढ़ें, एक ही टेक्स्ट बुक फॉलो करें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक ही टेक्स्ट बुक और बार बार एनसीईआरटी को लेकिन साथ में रखे रहें। अगर यहीं पर हम बात करें आधुनिक भारत, आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के लिए आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए, तो एनसीईआरटी तो इस पर भी कंपलसरी है, एनसीईआरटी आपको इसमें भी लेनी है, तो वही एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ आप पढ़ें विपिन चंद्रा तो जरूर पढ़ें, हर जीएस का विद्यार्थी पढ़ता है, ये पढ़ना ही चाहिए। इसके साथ एक बुक आती है शेखर चंद्र बंदोपाध्याय की, ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक आती है, आप ये देख सकते हैं। शेखर बंदोपाध्याय, शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक आती है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये और इस पे भी, ये तो आप तीनों लेके पढ़ लें, और मॉडर्न के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ठीक है। अगर इसके बाद आप बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे हम आए, विश्व इतिहास, अगर आपके ऑप्शनल की हम बात करें विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास में सेम वही जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या कि एनसीईआरटी ले लें, और एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक आती है जैन एंड माथुर की, ये मोर देन सफिशियंट है। जैन एंड माथुर एंड एनसीईआरटी आपके वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, इसी को लेके पढ़ें बार बार, पढ़ें बार बार और बार बार ही पढ़ें। ज्यादा टेक्स्ट बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना कि एक भी विषय के लिए आप चार पांच टेक्स्ट बुक पढ़ें, नहीं, एनसीईआरटी के साथ एक ही टेक्स्ट बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए, आंसर लिखने पे फोकस करिए, जहां ज्यादा से ज्यादा आंसर। और जो फर्स्ट पेपर में मैपिंग आता है एंसियंट के लिए, उसके लिए कोई भी हिस्टोरिकल मैप की बुक आती है वो लेके आप पढ़ लें, या आप जहां से भी ऑप्शनल की क्लास करेंगे वहां से आपको कराया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारी बातें हैं, इस तरीके से सारी चीजें हैं, आप इसको यहाँ पे ऐसे आसानी से कर सकते हैं। एक जो इसमें एक पॉइंट और मैंने आपको बताया कि इसमें हम अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, कि मैक्सिमम अंक, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। अधिकतम अंक मतलब 300 प्लस लाना हिस्ट्री में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस का जो स्टूडेंट है वो भी अगर थोड़ा सा मन लगा के, जैसे मैंने बताया ना कि 70% आपका यही से कवर हो जाता है, थोड़ा सा अगर अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने किया है, अच्छे से सारी चीज़ें की हैं, तो बहुत ही आसानी से ये कर लेंगे। क्योंकि देखो कैसे, इस पे दो चीज़ें हैं, अगर अधिकतम अंक की बात करें तो इसको फिर से हम अगर इस तरीके से देखें, देखो दो पेपर होता है हिस्ट्री का, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर होता ही है, जैसा हमने पहले देखा। थोड़ा सा आपको एक यहाँ पे स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कैसा करना चाहिए, जो सभी बच्चे नहीं करते, जो कुछ अगर इस पे दिमाग लगा दे देते हैं थोड़ा सा, तो उनका बहुत ही आसानी से 300 प्लस आ जाता है। कैसे, फर्स्ट पेपर में देखो आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन एंड मध्यकालीन, ये मैंने बताया था, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। अब देखो प्राचीन भारत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मध्यकालीन भारत के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से प्रश्न आते हैं, सभी लड़के वहां मेहनत करते ही करते हैं, लेकिन मोस्टली लड़के उस चक्कर में मैपिंग पे मेहनत नहीं करते। तो अगर आप प्राचीन भारत में, जो मैंने आपको बताया कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इसको कर लेंगे तो ये 50 नंबर का प्रश्न आता है मैप का, और ये बिल्कुल गणित की तरह इस पे नंबर मिलता है, और इस पे यूपीएससी ने इतना आसान कर दिया कि साइट
मैप पे हर जगह 1, 2, 3, 4 नंबरिंग दी होती है, और जो नंबरिंग आपके यहाँ पे जिसका नाम लिखा है उस जगह पे आपको बताना है, तो और भी आसान हो गया है। अगर आपने थोड़ा सा अलग से एक्स्ट्रा मेहनत, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मैपिंग के लिए थोड़ा सा अलग से मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 50 नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, जो कि बहुत सारे लड़के यहाँ पे फोकस करना नहीं चाहते। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्राचीन भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त, संगम, दक्षिण भारत में चोल, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से उनके कल्चर से जुड़े हुए प्रश्न आपको बनते ही बनते हैं, और सारे लड़के वहाँ पे मेहनत करते हैं। एक जैसे वहाँ पे सभी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लें तो आप और लड़कों की तुलना इसके जरिए आप एक तो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे पा सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम ही लड़के यहाँ पे उतना फोकस करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे ही अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें, सेकेंड पेपर, तो सेकेंड पेपर में क्या आधुनिक, आधुनिक भारत एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। अब देखो, मैंने बताया था कि चार चार प्रश्न दोनों सेक्शन में होते हैं, पहला और पांचवा दोनों का अनिवार्य है। ठीक है, अब मैप भी अनिवार्य है पहले में, सबको करना है, लेकिन बहुत सारे लड़के इस पे फाइट नहीं कर पाते, तो इसीलिए आप अगर इस पे थोड़ा सा मेहनत करें तो आप लोगों से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। उसी तरीके से इन दोनों में भी पहला और पांचवा अनिवार्य है। उसके बाद टोटल पहले और पांचवे के अलावा क्या है कि तीन प्रश्न करने होते हैं, मैंने बताया ना, क्योंकि टोटल पांच प्रश्न करने हैं तो पहला और पांचवा तो अनिवार्य है, उसके अलावा तीन प्रश्न और करने हैं। तो तीन प्रश्न में से मैंने बताया कि दोनों खंड में तीन तीन प्रश्न है, मतलब तीन मॉडर्न में भी बचा है, तीन वर्ड में भी बचा है। मैंने भी बताया कि आप एक ही सेक्शन के तीनों नहीं कर सकते, तो दोनों सेक्शन मिला के करना है। तो ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि वो जो तीन प्रश्न में से एक वर्ड हिस्ट्री का करते हैं, दो करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। अब सोचो, ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री के करते हैं, तो फाइट मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए, क्योंकि वर्ड हिस्ट्री आपको जीएस में भी पढ़ना है, तो ऑप्शनल हेल्प होगी होगी। आप उन तीन में से एक करिए मॉडर्न इंडिया से, और दो करिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री से, दो प्रश्न, और यहाँ पे फाइट कम है तो जरूर आपको यहाँ से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये एक सही तरीका है ऐसे 300 प्लस नंबर लाने का, जो मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने ऑप्शनल को समझा है, ये बहुत ही सही तरीका है। तो इस तरीके से करते हुए आप अगर चाहेंगे तो ऑप्शनल में 300 से ज़्यादा नंबर ले आएंगे, क्योंकि मॉडर्न सभी पढ़ते हैं, जीएस में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर तो लोग उसके प्रश्नों को करने के जाते हैं कि दो प्रश्न उधर से कर लें, वर्ड हिस्ट्री से लोग बचना चाहते हैं, एक ही प्रश्न करते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपना उल्टा कर दीजिए, आप वर्ड हिस्ट्री से यहाँ शुरुआत कर दीजिए, मतलब आप वर्ड हिस्ट्री के दो प्रश्न कर दीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर पाँच के अलावा दो प्रश्न और आप वर्ड हिस्ट्री से करते हैं, तो ये आपको 300 प्लस लाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि पढ़ना आपको दोनों है। ऐसा तो नहीं है कि केवल ऑप्शनल में वर्ड हिस्ट्री पढ़ना है तो सेक्शन कमजोर होगा, जीएस में भी पढ़ना है, जीएस में भी प्रश्न आते हैं, तो मेहनत उतनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रेटजी अगर आप बदल देंगे तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये तो पूरा स्ट्रेटजी हो गया कि इस तरीके से हम हिस्ट्री ऑप्शनल का करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो, जी जैसे मैंने आपसे बताया कि इस बार के जो प्रश्न हैं, अगर मैं आपसे प्रश्न की बात करूँ कि इस बार के जो ऑप्शनल के प्रश्न आए हैं, तो बिल्कुल सीधे सीधे, जैसे मैं एक दो प्रश्न आपको पढ़ देता हूँ, तो इस तरीके से अगर मान लो अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था कि जीएस जो बच्चा जीएस ध्यान से पढ़ा है, जीएस ढंग से हिस्ट्री पर पढ़ा है, वो ऑप्शनल के पेपर लिख सकता है। जैसे आप जो देखो फर्स्ट पेपर का पहला ही प्रश्न है, मतलब मैपिंग के अलावा जो प्रश्न है उस पर क्या कह रहा है कि हड़प्पी सभ्यता का नगरीय चरित्र न तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और न ही कोई अचानक होने वाली घटना थी, यह स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, आपको पता है कि नगरीय सभ्यता थी, तो ये किसी बाहरी प्रभाव का नतीजा नहीं थी, उनके स्थानीय सामाजिक आर्थिक विकास का था। तो आपको पता है कि वहाँ की सभ्यता नगरी थी, किन किन रीजनों से वो नगरी थी, ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं।
दूसरा देखें, बहुत ही आसान सा, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इनमें कतिपय कमियां थी। ये आपको उपयुक्त उदाहरण के साथ बताना है। जब भी हिस्ट्री की क्लास की शुरुआत होती है, जीएस चाहे ऑप्शनल, सबसे पहले यही पर बताया जाता है कि इतिहास का स्रोत क्या है, आखिर में हमें हमारे इतिहास के बारे में पता कैसे चला। तो ये बताया जाता है ना कि कुछ लिखित साक्ष्य मिले, कुछ अलिखित साक्ष्य मिले, कुछ विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो यहाँ के बारे में लिखा, अपने रचनाओं में जो विवरण दिया, उससे पता चलता है। जैसे सिंपल सब पूछ रहा है कि विदेशी विवरणों के बारे में बताएं, बिल्कुल आसान सा सवाल है, हर विद्यार्थी कर सकता है। उसी पे तीसरा प्रश्न, जैसे एक और सुन लो कि बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही वैदिक उपनिषदीय परंपरा में रही हो, परंतु अपने विशिष्ट सिद्धांत और संस्थाओं के कारण वह पूर्ण रूप से एक नया धर्म था। आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताना है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में बताना है, चार आर्य सत्य के बारे में बताना है, जो सब आप जीएस में पढ़ते हैं, कौन सा अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिए ये बताना है, इनके तीन पिटक के बारे में बताना है। तो बिल्कुल ये सारी बातें आप जीएस में पढ़ते हैं, और वही आप यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शनल में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही अगर थोड़ा सा सेकेंड पेपर पे आ जाएं, और सेकेंड पेपर के जैसे कुछ प्रश्न है, अगर हम बात करें मॉडर्न को, तो देखिए पहला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न दिया है कि जीएस की तरह आप इसको, जीएस का बच्चा बहुत आसानी से लिख लेगा, ऑप्शनल का है, 150 वर्ड में लिखना है, 10 नंबर का प्रश्न है। हाँ, तो क्या ले लिखा है कि प्लासी की लड़ाई एक झड़प थी, जबकि बक्सर की लड़ाई एक असली युद्ध था। बताओ, अक्सर क्लास में डिस्कस करते समय जीएस में ये बात बताई जाती है ना कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में कदम रखने का, और बक्सर के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि वापस जाएंगे ही नहीं। तो बहुत ही आसानी से आप सवाल लिख सकते हैं कि कैसे झड़प थी प्लासी का युद्ध, किस तरीके से सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, फिर बक्सर के युद्ध में कैसे अंग्रेजों ने तीन बड़ी शक्तियों को हराया, अवध के नवाब, बंगाल का नवाब और खुद मुगल बादशाह को, किस तरीके से इलाहाबाद की संधि हुई, ये सब आपको जीएस में पढ़ना है। और सेम यही बात यहाँ पे लिख देनी है, कितने आसानी से, कितना आसान ये प्रश्न है। ऐसे ही अगला भी है कि अमृतसर के संधि के तत्कालिक कारणों के बारे में बताना है। सो जो इतना आसान सा सवाल, सब जीएस में आप पढ़ते हैं। एक है कि अकाल केवल अनाज की कमी ही नहीं, बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे, कि जो भारत में अकाल आए थे वो केवल अनाज की कमी के वजह से नहीं थे, अंग्रेजों ने जो यहाँ पे आर्थिक नीति चलाई थी, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है, क्या क्या चीजें थी, किस तरीके से उन्होंने शोषण किया। और सेम देखो, ये जो प्रश्न सेकेंड पेपर का तीसरा प्रश्न है, मतलब पहले का सी है, ठीक है, मैंने बताया ना पहले में पांच प्रश्न आते हैं, सी है, सेम इस बार का जीएस का फर्स्ट पेपर उठाओगे उसमें यही सवाल है, थोड़ा सा बस रूप चेंज है कि बारंबार अकाल क्यों पड़ते रहे, ये सेम वही सवाल है, बस पूछने का नजरिया बदला हुआ है। तो जो आप पढ़ता है वो यहां पे लिख सकता है, बहुत ही आसानी से लिख सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिस्ट्री का जो रोल है वो आप जो जीएस में हिस्ट्री पढ़ा है बहुत ही आसानी से ऑप्शनल का आंसर लिख सकता है। इसीलिए विषय का ऐसा चुनाव करें जो आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों में हेल्प करे, अलग से आपको मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। ऐसे अगर हम सेक्शन बी वर्ड हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे पहला ही प्रश्न है कि रूसो ने एक आज्ञा प्रज्वलित की जो प्रबोधन की आत्मा बन गई, जिसने वर्ड हिस्ट्री में प्रबोधन को पढ़ाया, रूसो को पढ़ाया जीएस में, और जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो इसको बहुत ही आसानी से लिख लेगा। तो ये वाली बात है, वही मैं कहता हूं कि अगर इधर पढ़ोगे तो 70-80% आपको ऑप्शनल में मदद मिलेगा, और इधर पढ़ोगे तो इधर मदद मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना के मेहनत करनी चाहिए, और इस तरीके से अगर आप लेंगे तो आप ऑप्शनल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिसपे बहुत ज्यादा आपको अलग से मेहनत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपके जीएस के द्वारा ऑप्शनल का मदद हो जाएगा। ये थी एक छोटी सी स्ट्रेटजी के, हर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहे होते हैं कि हिस्ट्री लें कि ना लें, कैसे लें, क्या रोल है, दिक्कत तो है। तो हिस्ट्री के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखें, तो मार्किंग इसमें बहुत ही बढ़िया होती है, अगर आप ठीक ठाक एवरेज लिखें तो एवरेज मार्क हमेशा आएगा, आपका स्कोरिंग कभी गिरेगा नहीं। अगर आपने थोड़ी सी सही स्ट्रेटजी के साथ जैसे मैंने बताया अगर वैसा कर लेते हैं, तो आप फिर 300+ बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। तो बस यही है कि आंसर राइटिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, सही तरीके से लिखना पड़ेगा, ये है, और अलग से मेहनत नहीं करना है, ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप वो मेहनत जीएस के लिए करेंगे ही, थोड़ा सा यहाँ पे और पुश कर देंगे तो 300+ बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।